के प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब कुछ तो बात होगी, वो खुद चाय बेच के अब पीएम, तो वो खुद भी बेच लें, अब नेक्स्ट वाले में इलेक्शन में खड़े ना होके पकौड़े बेच लें, अच्छा लगे, सारी जनता खाएगी पकौड़े। तो हमारे साथ क्या जो है ऐसी दुश्मनी है प्रधानमंत्री जी को जो हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? पकौड़ा बेचना रोजगार है तो सारे एमएलए एमपी फिर नेक्स्ट ईयर इलेक्शन की बजाय ना पकौड़े बेचने लग जाएं। कुछ क्षण भर के लिए जो है आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन आप हमेशा के लिए नहीं बना सकते। आप लास्ट टाइम आपने देखा होगा टीओडी का कितने जोरदार तरीके से विरोध हुआ, एसएससी जीडी के युवा जो है पिछले 1.5 साल से विरोध कर रहे हैं, यहाँ पे यूपीएससी के युवा बैठे हुए हैं, उसके अलावा रेलवे के स्टूडेंट्स ने जो है आपने देखा होगा कितने उग्र आंदोलन करे। आर्मी वार्मी भी छोड़ो, फिर सब बंद करो, खत्म सारे पकौड़े तलब देश में बैठ के। 2014 में भी वादा किया था 2 करोड़ का, 2019 में भी किया था, अभी 10 लाख का वादा किया है, वादे वादों में रह जाते हैं। बेरोजगारी आज देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। देश भर के छात्र सिर्फ इस आस में लगे हुए कि उनसे उनको कहीं से रोजगार मिले। हम जंतर मंतर मौजूद है जहां पर छात्रों का देशव्यापी महाआंदोलन शुरू है। इनसे जानेंगे कि इनकी क्या मांग है और किस चीज़ को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लगता है आपकी डिमांड है कि क्या मुद्दा? डिमांड हम लोगों की कोविड 19 की वजह से जो सभी स्टूडेंट्स को यूपीएससी एसएससी बैंकिंग रेलवे आईआईटी जितने भी एग्जामिनेशंस हैं सभी एग्जामिनेशंस के स्टूडेंट्स को कम से कम 2 से 3 साल की छूट इसमें आयु वर्ष में मिलना चाहिए ताकि ये लोग फिर दोबारा से एक बार एग्ज़ाम दे सकें। काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट इसमें दे रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी दिया है, जैसे IIT JEE में दिया है, अभी आर्मी वालों को भी मिला है एज रिलैक्सेशन, तो इनको भी मिलना चाहिए यूपीएससी एसएससी बैंकिंग रेलवे और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ये डिमांड है। क्या करेंगे रोजगार लेकर, क्योंकि आज इस तरीके से देश मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, मोदी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखो मोदी जी अपनी मेहनत कर रहे हैं, मोदी जी ने अपनी मेहनत की अपनी कुर्सी पाई, हम लोग जो मेहनत करेंगे वो हम अपने शर्म के अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगा, तो मेहनत तो सभी को करनी चाहिए। क्या ज़रूरत है रिलैक्सेशन की? बिल्कुल, देखिए ज़रूरत है और ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर जो युवा हैं वो ओवर एज हो चुके हैं, वो अब जो है कोई अटैम्प्ट नहीं दे सकते, वो कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तो ज़रूरत है। और देखिए भारत हमारा एक परिवार है और उसके मुखिया जो है हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और अगर वो कुछ युवाओं के साथ जो है अच्छा करें और कुछ के साथ बुरा करें तो वो गलत है। आप देखिए कि कोरोना के अंदर जो है 10th और 12th के स्टूडेंट्स को बिना एग्ज़ाम दिए जो है पास कर दिया जाता है, आर्मी के स्टूडेंट्स को जो है 2 साल की छूट दी जाती है, तो फिर जो है हमारे साथ क्या जो है ऐसी दुश्मनी है प्रधानमंत्री जी को जो हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। यूपीएससी के जो आज युवा यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनको क्यों जो है अटैम्प्ट नहीं दिया जा रहा है? एसएससी जीडी 2018 का मैं छात्र हूँ, पिछले 1.5 साल से हम जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि लगातार जो है हमारे युवा नागपुर से दिल्ली के लिए जो है पैदल चल रहे हैं, लेकिन आज तक जो है सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, चारों तरफ जो है उनकी आवाज़ जो है गूंज रही है लेकिन सरकार उसके बावजूद जो है आँख मूंद के सोई हुई है, तो ये एक तरह से अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। देश का युवा मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, करोड़ों रुपए का संसद बनवा दिया, फिर भी आपको रोजगार नहीं? देखिए ऐसा नहीं है, कुछ क्षण भर के लिए जो है आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन आप हमेशा के लिए नहीं बना सकते। आप लास्ट टाइम आपने देखा होगा टीओडी का कितने जोरदार तरीके से विरोध हुआ, एसएससी जीडी के युवा जो है पिछले 1.5 साल से विरोध कर रहे हैं, यहाँ पे यूपीएससी के युवा बैठे हुए हैं, उसके अलावा रेलवे के स्टूडेंट्स ने जो है आपने देखा होगा कितने उग्र आंदोलन करे, लेकिन हम जो है उग्र आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हमारी बात को जो है केंद्र सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है केंद्र सरकार नहीं सुन रही है, तो क्या केंद्र सरकार ये इंतज़ार कर रही है कि जो है युवा जो है उग्र हो, तो फिर जो है केंद्र सरकार कहेगी कि जो है युवाओं ने उग्र आंदोलन किया, इन्होंने तोड़फोड़ करी, इन्होंने जो है ट्रेनें जलाई, तो हम यही चाहते हैं कि हम हमारी शांतिपूर्वक तरीके से जो है हमारी आवाज़ जो है सरकार सुने और इस पर गौर करे और हमारे मुद्दे पर जो है ध्यान केंद्रित करे। अब मोदी जी नई स्कीम लाए अग्निवीर, इतनी बड़ी स्कीम है, राष्ट्रहित में है, उसमें जाके सर वो योजना अग्निवीर नहीं, वो अग्निपथ है, जो भर्ती होंगे वो अग्निवीर होंगे,
लेकिन देखो जो अग्निपथ योजना है ये मैं मानता हूँ कि देश की सुरक्षा के साथ, युवाओं के साथ तो खिलवाड़ ही है, देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। जो बंदा 4 साल के लिए, देखो आर्मी के अंदर बंदा भर्ती होने के लिए अपनी लगभग 10 साल तो अपनी उम्र खपाता है आर्मी के अंदर जाने के लिए। अगर आप किसी बच्चे से, गाँव के देहात के बच्चे से पूछोगे, गाँव रूरल एरिया से पूछोगे आप क्या करना चाहते हो, आप क्या बनोगे, तो उसके मन से आवाज़ आती है कि मैं फौजी बनूंगा। लेकिन आज के दिन ये चीज़ भी बच्चों के अंदर से ख़त्म की जा रही, जो एक बच्चा शुरू से एक आस लेकर उठता था उसके अंदर काम कहाँ किया, वो तो अच्छा है। अब 17 साढ़े 17 साल 4 साल जॉब की बोल रहे हैं, क्या 4 साल वाले जो बंदे के अंदर वो जोश असबत जुनून होगा? जो बंदा एक आर्मी के अंदर अपने 15 साल की नौकरी करके आता है, वो 4 साल की नौकरी करेगा, उसको 3 साल तो ये बह रहेगा कि भाई तेरे तुझे 1 साल बाद में रिटायर होना है। तो 4 साल बाद महिंद्रा और बीजेपी के नेता कह रहे हैं ना हम अपना गार्ड रखें। अच्छा, हाँ फ्यूचर तो अच्छा, तो फिर मतलब ये जो अच्छा, तो ये अग्निवीर योजना जो साल में 22-23 लाख रुपए आपको दे रही है सरकार, 11 लाख रुपए तो हमको ये अपना सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे अपने 4 साल नौकरी करवा के, तो फिर लाना था हमें ऐसे नेताओं पर जो अपना सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए हमें हमारे पास ट्रेनिंग करवा रही है, अपनी आर्मी की ट्रेनिंग दे के हमें, और वो अपने सिक्योरिटी गार्ड रखेगी फिर खुद का, तो फिर इससे अच्छा तो क्या हमारा, इससे बुरा क्या हो सकता है? जैसे कह रहे हैं कि 4 साल बाद क्या करेगा अग्निवीर, तो उनके पास सोल्यूशन है, महिंद्रा वाले के यहाँ नौकरी करेगा, अरे तो फिर बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़ा होगा। ये उनकी नज़र में सोल्यूशन है, हमारे नज़र में तो ये, अगर देखो जो बयान ये दे रहे हैं कि बीजेपी दफ्तर के आगे हम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे, उनको ये बयान देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि देश के युवा को, तुम जो देश का भविष्य है, उनको तुम 4 साल वो करवा के और तुम उनको सिक्योरिटी गार्ड लगवाना चाह रहे हो। अरे जो बंदा एक देश की आर्मी के अंदर उसकी सेवा करना चाहता है, देश सेवा, उसको तुम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे रहे, तो सरकार जो है और जो वहाँ उनके नेता जो हैं जो ऐसे बयान दे रहे हैं वो भी गलत है। ये देश के युवा के अपमान है, युवा की आवाज़ का अपमान है, और देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया गया है अग्निपथ योजना के बारे में। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, और आप जो है एग्ज़ाम के लिए लगे हुए हैं अभी, तो आत्मनिर्भर कैसे बने? पकौड़ा बेचिए, चाय बेचिए, सिकंजी बेचिए, MBA चाय तो 20 लाख पढ़ाई मेरी, इतने साल जो गवाए हैं वो पकौड़े बेचने के लिए वो तो पहले तल लेते बताइए। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब कुछ तो बात होगी, वो खुद चाय बेच के अब PM तो वो खुद भी बेच लें, अब नेक्स्ट वाले में इलेक्शन में खड़े ना हो के पकौड़े बेच लें, अच्छा लगेगा, सारी जनता खाएगी पकौड़े। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से देश के हालात है, रोजगार नहीं, रोजगार है तो क्या है? मैं पकौड़ा बेचना रोजगार है तो सारे MLA MP फिर नेक्स्ट ईयर इलेक्शन की बजाय ना पकौड़ा बेचने लग जाएं, सारी जनता खाएगी। रोजगार नहीं मानती आप पकौड़ा बेचना? रोजगार अपनी स्किल के हिसाब से होता है ना, पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार हो सकता है, अब ये बेच रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है रोजगार, लेकिन स्किल के हिसाब से होता है, जिसका जो टैलेंट है उसको वो यूज तो आना चाहिए। सारे ही पकौड़े बेचने लग जाएंगे तो देश कहाँ जाएगा? आजकल लोग जैसे MBA चाय वाला है और तमाम जो डिग्री होल्डर है, इंजीनियर लोग हैं, वो इस तरीके के काम करते, देखो सक्सेस भी हो। हर डिग्री का, हर पढ़ाई का एक मकसद होता है कि मेरे को MBA करना है तो इस फील्ड में जाना है, नीट एग्जाम पास करके मेरे को उस फील्ड में जाना है, UPSC की तैयारी करके उस फील्ड में जाना है, एक मोटिव होता है ना। हर एक मतलब जॉब के लिए एक स्किल जरूरी होती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। जब पकौड़े ही बेचने हैं तो फिर ये सब यूनिवर्सिटी या स्कूल बंद कर दो, ताकि ना कोई ये पैसे लगाए इतने MBA करने में और कुछ करने, इंजीनियरिंग करने में, फिर सारे पकौड़े तलते रहेंगे। आर्मी वार्मी भी छोड़ो, फिर सब बंद करो खत्म, सारे पकौड़े तलो देश में बैठ के। अभी मोदी जी ने वादा किया है कि 2 लाख रोजगार देंगे हम। उन्होंने तो 2014 में भी वादा किया था 2 करोड़ का, 2019 में भी किया था, अभी 10 लाख का वादा किया है, वादे वादों में रह जाते हैं। ठीक है, 2 साल का एज रिलैक्सेशन हमारी डिमांड है, क्योंकि बेरोजगारी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब हो गई है युवाओं में, और हर वर्ग का जो स्टूडेंट है वो आंदोलन कर रहा है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो। बीजेपी के मंत्री और विधायकों का अक्सर बयान आता है कि जिनके पास मेरिट है, जिनमें कैपेबिलिटी है, उनको रोजगार की कमी नहीं है, वो कहीं भी रोजगार मिल जाता है। और ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जंतर मंतर जाते हैं या इधर उधर जो प्रोटेस्ट करते हैं, ये वो लोग हैं जो राजनीति करते हैं, ओपोजिशन पार्टी की तरफ से फंडेड होते हैं। सर ये बताइए, हमारा जो मुद्दा है वो एज रिलैक्सेशन की डिमांड है, और जिनका मेडिकल हो चुका था, जिनका ज्वाइनिंग बाकी थी एयरफोर्स और आर्मी के स्टूडेंट्स की, तो क्या उन्होंने उस एग्जाम को पास नहीं किया था? अब वो ज्वाइनिंग ही नहीं दे रहे हमें, 2 साल का एज रिलैक्सेशन ही दे रहे, क्योंकि कोविड के कारण
बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनको एग्जाम सेंटरों में नहीं बैठने दिया, मेंस के बच्चों को भी नहीं बैठने दिया। हम लोगों में से भी बहुत सारे जो हैं जिनको कोविड था उस दौरान एग्जाम में नहीं बैठने दिया, उस दौरान बच्चे ओवर एज हो गए, तो ये हमारी गलती थोड़ी है। तो इसमें कौन से मतलब वो पॉलिटिक्स का वो मुद्दा आ गया कि वो करवा रहा है वो करवा रहा है, ये तो हमारे राइट्स के लिए हम खड़े हैं ना। अभी क्या डिमांड है आपकी? अभी हमारी डिमांड है 2 साल का एज रिलैक्सेशन सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। अगर इस तरीके से सरकार रिलैक्सेशन देगी तो जो नए आने वाले बच्चे होंगे या जो अभ्यर्थी होंगे उन पे असर पड़ेगा, फिर दूसरा लाखों बच्चे होंगे जिनको रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, तो इसको मैनेज कैसे करना? नहीं, पहली बात तो उन किस पे असर पड़ेगा, जो उन पे असर पड़ेगा उसकी बात तो याद है कि हम पे असर पड़ रहा है, हम कहाँ जाएंगे। और हमें तो मतलब हमारा जो कसूर थोड़ी था कि मेरे को फीवर हो गया था उसकी वजह से, पूरा देश पूरा मतलब वर्ल्ड जो है वो लॉकडाउन में बंद था, तो हमारी गलती तो है नहीं। जब एक इंटरनेशनल पैंडेमिक आई तो उसके हिसाब से आप हर क्षेत्र को रिलैक्सेशन दे रहे हो, तो हमें क्यों नहीं, स्टूडेंट वर्ग को क्यों नहीं? और जब जब आंदोलन बड़े वायलेंट हो रहे हैं वहाँ आप दे भी रहे हो, आपने आर्मी में दिया है, आपने NTPC वालों की प्रॉब्लम सोल्व करी है, राजस्थान में रिट का हुआ था आपने उसकी प्रॉब्लम सोल्व करी है, 8 स्टेट 2 साल के एज रिलैक्सेशन दे चुके हैं, तो हमें क्यों नहीं? भैया अभी मोदी जी इतनी बढ़िया स्कीम लेके आए अग्निपथ, जिसमें युवाओं के लिए मौका है देश की सेवा करने का, और एक अच्छा पैकेज भी उसको कह रहे हैं कि 4 साल में अच्छा पैकेज मिलेगा, क्योंकि 22-25 हज़ार की सैलरी है, फिर बाद में लास्ट में रिटायरमेंट पे 11-12 लाख रुपए, तो टोटल 4 साल में आप 20-25 लाख के जो है मालिक बन जाते हैं, और रिटायर होने के बाद फिर आपको महिंद्रा में आपको गार्ड की नौकरी भी मिल जाती है। अग्निपथ जो योजना है वो 4 साल के बाद 11.5 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है, 20 हज़ार उसमें सैलरी मिलेगी 4 साल तक। पहले तो आर्मी का इतना बड़ा कंपटीशन, 3 साल उसके तैयारी करोगे आप, 2 से 3 साल उस एग्ज़ाम को पास करने में लग जाते हैं, जितने भी अभ्यर्थी उनको आप देख सकते हो 3 साल उसकी तैयारी के लिए देंगे, और 3 साल उसकी तैयारी के लिए इतना हार्ड जो कंपटीशन है उसको पास करके सिर्फ आप 4 साल के लिए भर्ती होगे, और सिर्फ वो 4 साल आपके मतलब 10 लाख जो रुपए हुए 4 साल आप वेस्ट करोगे, और वो आर्मी की हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद क्या पढ़ाई के लायक इंसान रह जाता है? वापस उस फ्लो में आना पढ़ाई में 4 साल छोड़ के क्या हो पाता है? और फिर वो जब आएंगे तो स्टेट की जब वो जॉब देखेंगे, मान लो पुलिस की जॉब देखी या CRPF वगैरह पैरामिलिट्री की जॉब देखी, तो उसमें फिजिकल मेडिकल तो पास कर लेंगे, लेकिन क्या वो जो कंपटीशन है जो रिटन टेस्ट होता है क्या उसमें वो फिट बैठ पाएंगे? वो फिर से 2-3 साल उनको देना होगा, क्योंकि 4 साल हो गए उनको पढ़ाई छोड़े हुए, बिल्कुल रिग्रेसली वो उनका माइंड सेट ही हट चुका होगा। अब एक रोजगार में गए फिर से 4 साल मतलब अगले साल फिर से मतलब 4 साल बाद आपको एक उसी कंपटीशन के मार्केट में आना है, तो क्या आप एक मोटिवेशन बना पाओगे वहाँ पर? अच्छा, ये बड़ी समस्या है कि मोदी जी जब वादा करते हैं रोजगार देने का तो आप कहते हैं, मतलब आपसे मुराद जो युवा है यूथ है वो कहता है कि रोजगार नहीं है, जब वो देते हैं अग्निपथ स्कीम के तहत तो कहते हैं कि ये गलत है। वो दिया थोड़ी, वो तो छीना है, अग्निपथ के थ्रू तो छीना गया है, वो तो पहले से रोजगार था, 3 साल हो गए भर्ती निकाल नहीं रहे आर्मी की, 1 लाख पद खाली पड़े हैं, वो तो रोजगार छीना गया, दिया थोड़ी गया है। अच्छा, अभी आप लोग किसी बड़े नेता के अपोजिशन लीडर किसी के संपर्क में जो आपकी बात पहुँचा? हमने तो BJP के MPOs से लेकर अपोजिशन के MPOs से लेकर सभी से बात करी है, ताकि हम उनको बता सके कि ये जो चीज़ें हो रही हैं स्टूडेंट के साथ ये गलत है। गवर्नमेंट एक पेरेंट्स की भूमिका में होती है, उसको बच्चों का मतलब ध्यान रखते हुए, बच्चों को आना ही नहीं चाहिए रोड पे, ये जो यंग एनर्जी है इसका जो यूज करना चाहिए देश में, तो वो ऐसी पॉलिसी जानी चाहिए कि उनको कोई नुकसान ना हो और बच्चे मतलब सड़कों पर ना आए, तो अपने आप ही सोल्व होनी चाहिए ये चीज़ें। तो देखिए कैसे हालात हैं, ये लोग थे जो UPSC और SSC GD के सब कंबाइंड छात्र हैं देश भर के, लगातार इनकी यही डिमांड है कि इनको रिलैक्सेशन दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ जो SSC GD के छात्र हैं वो नागपुर से दिल्ली आ रहे हैं, उनके भी एक अभ्यर्थी थे, उनसे भी अभी बात करेंगे कि पूरी उनसे बताएंगे डिटेल में कि वो लोग कहाँ पहुँचे हैं और कैसे हैं। तो ये सारे अभ्यर्थी थे और देश भर में आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा, अभी भी वो जुमलेबाजी कर रहे हैं, नए नए संसद बनवा रहे हैं और अशोक स्तंभ जैसे चिन्ह बनवा रहे हैं। एक तरफ श्रीलंका है जहाँ पर आर्थिक मंदी के चलते आज उसकी हालत आप देख सकते हैं। इस वक्त हम जंतर मंतर पर, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ, दिल्ली।